आप देख रहे हैं कराची एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ आरफा रेल। हमारे खान रिपोर्टर सैयद जैन रहमान सक्कर से आपको एक अहम खबर सागर करके चलते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह का IBA यूनिवर्सिटी का दौरा। खुर्शीद शाह ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब का दौरा कर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। लैब में मौजूद रिपोर्ट में खुर्शीद शाह को सिंधी लोग पर खुशामदीद कहा। वाइस जर्नलिस्ट रजिस्टर दीकर इंतजामिया ने IBA में जेरकारी मनसूबों पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह को बिल्कुल दी। इन्होंने कहा कि इन्हें खुशी है कि IBA सत्र का शुमार इन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में होता है। IBA में 70% पहले स्कूल के गरीब बच्चे जेर तालीम हैं। खुर्शीद शाह का कहना है कि CCS में इम्तिहान में पहला नंबर लेने वाली पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की IBA की तालिब इल्म है। PEP के रहनुमा का कहना है कि हम माशरे को गरीब तबके के बच्चे तरक्की दिला सकते हैं। हमारा मकसद गरीब के बच्चे को बेहतर तालीम दिलाना है। बेहतर तालीमी निजाम के लिए स्कूल सत्ता पर IBA तर्ज की तालीम के लिए इकदाम कर रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटीज़ में लड़ाइयाँ हुआ करती थी तालीम के साथ, अगर बेहतर माहौल होता तो सोने पर सुहागा है। IBA यूनिवर्सिटी का माहौल और तालीम दोनों बेहतरीन है। श्रीलंका मलेशिया और अफगानिस्तान से बच्चे सखर IBA तालीम के लिए आ रहे हैं। सियासत में पढ़ूंगा सिंध हुकूमत और हायर एजुकेशन तालीम असलाहत के लिए बहुत मदद कर रही है। तालीम की बेहतरी के लिए सबको काम करना होगा। इस तरह के लिए मजीद खबरों के लिए जदीद तरीके से जो है वो साइंटिफिकली जो है पढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? और मुल्क भर से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं? मुल्क भर से तो नहीं मगर दुनिया से बच्चे आ रहे हैं। श्रीलंका से भी आ रहे हैं और मलेशिया से भी और अफगानिस्तान से भी एक बच्चा भी आया है और नेक्स्ट ईयर नॉर्वे या दूसरे जगहों से भी बच्चे आ रहे हैं। ये कोशिश की गई है, ये हम सबका विजन था 94 में और ये स्टार्ट हुआ 2 क्लासरूम से और माशाल्लाह आज आपके सामने है कि दुनिया की जो 305 यूनिवर्सिटियाँ हैं बड़ी दुनिया की उनमें इसका नाम आ गया है और अभी कोशिश है और भी। ये जो टेक्नोलॉजी की जगह पे हम खड़े हैं या रिपोर्ट का भी आपने देखा ये ट्रेंड हो रहे हैं कि जो न्यू वर्ल्ड सिस्टम आ रहा है उसके लिए, तो हम आज की दुनिया में नहीं हम आगे की दुनिया की तरफ भी जा रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन गरीब लोगों के बच्चे आ रहे हैं, जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव था कि भाई इस मुल्क के माशरे को बड़े लोगों के बच्चे नहीं बना सकते, ये छोटे लोग जो गरीब लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं पढ़ के कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं और जहाँ से वो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बच्चे जॉब पे जा रहे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ से इस मर्तबा जो CSS की लड़की एक हिंदू लड़की 75 साल में पहली मर्तबा CSS के DMG ग्रुप के नंबर 1 पोजीशन पे आई है और वो सखर IBA की ट्रेंड है। तो इस तरीके से और बहुत से स्कूल्स हम डेवलप कर रहे हैं और इस स्कूल को सिर्फ ये कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, इसके फंड को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए या मुकम्मल सोलर सिस्टम आ गया है। और अगर आप बाहर देखेंगे कि आपको जन्नतनुमा एक मंजर नज़र आएगा और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। तालीम के साथ अगर एक एटमॉस्फेयर भी हो, मैं कहता हूँ वो सोने पे सुहागा है। एक तालीम के मैदान में जंग होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, ग्रुप होते थे, यूनियन होती थी, मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है यह एनवायरनमेंट है, एक अच्छी एनवायरनमेंट, खूबसूरत एनवायरनमेंट, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है कि इस जैसी ग्रीन यूनिवर्सिटी हो, मगर एजुकेशन के हिसाब से लम्स है या अभी है वहाँ। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे 70% येलो स्कूल के बच्चे आते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर उनके एग्जाम होंगे कि आपको जन्नतनुमा एक मंजर नज़र आएगा और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। तालीम के साथ अगर एक एटमॉस्फेयर भी हो, मैं कहता हूँ वो सोने पे सुहागा है। एक तालीम के मैदान में जंग होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, ग्रुप होते थे, यूनियन होती थी, मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है या एनवायरनमेंट है, एक अच्छी एनवायरनमेंट, खूबसूरत एनवायरनमेंट, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है कि इस जैसी ग्रीन यूनिवर्सिटी हो, मगर एजुकेशन के हिसाब से लम्स है या
आबी है वहाँ, उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे 70% येलो स्कूल के बच्चे आते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर उनके एग्जाम होते हैं, फिर वही बच्चे आते हैं। क्योंकि वही कंसेप्ट है हमारा कम्युनिटी स्कूल्स आईबीए ये, कि छोटे घरानों से बच्चे आए वो दूसरों की मदद करें। जैसे हमारे हमने स्वीट होम बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी गरीब बच्चे जो है बेस्ट एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, मगर इसमें मैं हमारी ज़िंदगी है या नहीं है, कितनी चलती है, मगर हम वो स्टेप लेना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए मिसाल बने। मैं शासक पे नहीं जाऊंगा कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। हमारा अपनी मंजिल है कि हम हुकूमत सिंध के बहुत ही मशहूर हैं और HSC के भी बहुत ही मशहूर हैं। ये बात नहीं है कि HSC हमें अवॉइड कर रही है, HSC बहुत मदद कर रही है हमारी, और इसके साथ हुकूमत सिंध भी बहुत मदद कर रही है। मगर इसके लिए मेहनत की भी ज़रूरत है, हिम्मत की भी ज़रूरत है, और लगन की भी ज़रूरत है, और प्यार और लगन से ये काम होगा कि हम अपने मुआशरे को एक अच्छे मुआशरे बनाते हैं।